अच्छा, तो तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि उनका बेटा बोलने पर भी नहीं बैठा। लेकिन तुम्हें उसके फादर को खड़ा करके रखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब समझ गया, ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पिता की गलती है और तुम्हारी दादा की भी। एक शहर से दूसरे शहर जाकर लोगों से मेहनत मजदूरी का काम करवाया करते थे, कभी पार्टी के उसूलों की बिल्कुल इज्जत नहीं की, कभी भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं। वो करते तो तुम कांटे की तरह उभर कर नहीं आते ठोकर खाकर इस उम्र में। सुनो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं फिर दोबारा ये सब कुछ होना अलाउ नहीं करूंगा। अगर ये सब बाहर आया, पार्टी के लिए इसे शर्मनाक और कुछ नहीं होगा, समझ गए ना तुम? इसलिए उस भले इज्जतदार आदमी मां मन्नन से माफी मांग कर ये सब खत्म करो। बस फिर तुम पार्टी में कम से कम मेंबर रहने के लिए अलाउड होंगे, समझ गए तुम? समझे कि नहीं? की उदारता की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं सेलम सुंदरम का बेटा, उसके बाद ही मैं आपकी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूं। अगर इस पद पर रहने से मेरे बाप की इज्जत खराब होती है तो ऐसे किसी पद की मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर ये पार्टी नहीं फिर कोई और सही। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे यही पद और इज्जत कहीं और भी मिल जाएगी, और आप ये भी जानते हैं कि कैसे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि मैं कैसे चीथड़े उड़ाता हूं आपकी ये पावरफुल पोजीशन मिलने के बाद, है ना? रत्नवेल, अभी के अभी जाओ, मैं अब दोबारा तुम्हें नहीं देखना चाहता। चले जाओ, चले जाओ ऐसे। जी जी मैं चलता हूं। आप मुझे अरेस्ट नहीं करवाएंगे, है ना? मेरे खिलाफ जो पुरानी पेंडिंग केस है उनमें। बेवकूफ हो तुम अरेस्ट करवाने के भी लायक नहीं हो। अभी जिस भी पार्टी में जाना चाहते हो चले जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सुन लो, आज के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा राज खत्म होता है। जाओ। थैंक यू जी, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ कर दे। ए, छुओ मत मुझे, जाओ। तुम्हारे पिताजी से पहले मिला था तो ये कहा था मैंने, जिंदगी में किसी मोड़ पर तुम्हारे बेटे को युद्ध पर जाना पड़ेगा, और ये आज सच हो गया। एक गुरु के नाते मुझे ये कहना है, युद्ध में कोई भी नफरत कभी नहीं होनी चाहिए। तुझे इज्जत से जीतने के लिए ये लड़ाई लड़नी होगी, उसके बाद ही तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब होगा। मुझे उम्मीद है तुम समझ गए होगे। आप अंदर जा सकते हैं, आप नहीं, आप जाइए। मैं अभी आता हूं, यहीं पर रुक।
सर सर मेरे पापा अंदर है, छोड़ो मुझे, मेरे पापा अंदर है, मुझे देख लीजिए, मैं भले मामा का बेटा हूँ, सुनो मेरी बात, प्लीज सुनो, सुनिए मेरे पापा सर, छोड़िए मुझे, आप अंदर नहीं जा सकते सर। अरे ये सब क्या है, क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? चीफ ये मेरा बेटा है। तुम्हें डर लग रहा था कि मैं इसे खड़ा रखूंगा? देखो बाहर इंतजार करो बेटा, इनसे बात करता हूं, तुम्हें बुलाता हूं। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसका दिमाग जंगली कांटों से भरा हुआ है, हम उसे कभी समझा नहीं पाएंगे। वो शायद पहले से किसी और पार्टी के साथ बात कर रहा था, कमीना। बोलो बोलो मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या बोल सकता हूँ चीफ, कम से कम आपको तो पूरे सच का पता ही है, मैं बस यही चाहता था। मैंने आज तक जो कुछ भी झेला है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ। हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए। क्या मैं तुमसे एक विनती कर सकता हूँ? किसी का भी एहसान लिए बिना, लेकिन सिर्फ पार्टी की ताकत और सिंबल को मजबूत करने के लिए तुम्हें दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी जीत देख सके। उसका दिमाग खराब हो गया है, उसे लगता है कि उसकी अच्छी किस्मत ही तुम सभी की जीतों की वजह बन गई है। तुम्हें उसका यह भरोसा तोड़ना होगा और उसे गिराना होगा, ठीक है ना? चीफ ये मायने नहीं रखता कि मैं इलेक्शन लड़ता हूं या नहीं, मेरा बेटा ये डिसाइड करेगा कि मुझे पार्टी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, यही बात इंपॉर्टेंट है। मुझे गलत मत समझिए चीफ, क्योंकि मेरी जिंदगी और राजनीति ने उसे पूरी जिंदगी सिर्फ दुख ही दिया है। वो मेरे लिए जो भी चुनेगा वो मेरे लिए सही रास्ता होगा, मुझे इस बात का भरोसा है, और यही मेरा उसके लिए प्रायश्चित भी होगा। सही कहा तुमने, मुझे भी सच में तुम्हारे बेटे से माफी मांगनी चाहिए। मैं उससे बात करूंगा, उसे अंदर भेजो, मैं बात करता हूँ। ठीक है ठीक है चीफ, नमस्ते। और मामन्नन जी, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी यही कहूंगा कि रत्नवेल सबसे बड़ा क्रूर है अपने पिता के मुकाबले, वो और भी ज्यादा बेवकूफ है, इसलिए अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है। चीफ मैं वो पुराना मन्नू नहीं हूं जिसे रत्नावल के फादर ने बनाया था, मैं वो मामन्नन हूं जिसे मेरे बेटे ने बनाया है। मैं सब संभालूंगा चीफ, सब संभालूंगा। पापा हाँ, गाना सुनाओ ना। कोई क्या कहा बेटा, गाना सुनाओ ना पापा। जीवन चलने का नाम, चाहे जितना हो संग्राम, रुको ना एक पल, ठहरो तुम, अपने मन की हमेशा करो, मन जो कहता है वो सुनो, अपने मन की। बेटा देख कर, देख कर, सामने गाड़ी आ रही है। आपको लगे तो नहीं पापा? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। सर किसी को चोट तो नहीं आई ना? नहीं। नमस्ते, कैसे हो? डर गए थे क्या? ये सब मैंने किया है, मैं नहीं चाहता था कि सीएम के भाषण के बाद आपके अंदर से मेरे नाम का डर निकल जाए, इसलिए।
भाई इतने हैरान क्यों? मैं जाति और नस्ल का रक्षक बनने का दिखावा नहीं करता। मेरे पिता की तरह मैं अपने बच्चों के लिए लीगसी बना रहा हूँ, बस इतना ही। ये तभी काम करेगा जब हम लोग तुमको पीढ़ी दर पीढ़ी दबा कर रखेंगे। मैं तुझे यहाँ 6 फीट नीचे दबाने आया हूँ, लेकिन जब नैतिकता के पाठ पढ़ाने के बजाय पुजारी मुझे उपदेश देने लगे, मैंने तब ये तय कर मैं तुम्हें और तुम्हारी नैतिकता दोनों को मार कर रख दूंगा। नहीं समझे? तुम्हारी वो बेहुदा शपथ के इलेक्शन में हमारे सपोर्ट के बिना जीत जाओगे? मेरा वही मतलब है। गेट आउट। सुनाई नहीं दिया? गेट आउट। रुको, तुम्हारे बाप ने नेताओं के खोखले भाषण सुनकर पार्टी ज्वाइन की होगी, लेकिन मैंने अपने पिता के गुणगान सुन के बड़ा हुआ। ये उनका अभिमान था जिसने मुझे पार्टी में आने पर मजबूर किया। मैं जो चाहे पार्टी चुनू, मेरा एक ही रास्ता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अगले इलेक्शन में तुझे साफ कर दूंगा। तू और तेरा वो लीडर, मैं तेरे भेजे में ये घुसा दूंगा कि तेरा सोशल जस्टिस मेरा किया हुआ दान, और फिर मैं तुझे कुत्ते की तरह पीट पीट के मार डालूंगा। समझा? अभी ऐसा होते हुए देखा? ए! अपनी जबान बंद कर तू। तुझे कुत्ते की तरह पीट पीट के मार डालूंगा। तुझे का मुंह बंद कर अपना। तू अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख पाता है? जब तू बच्चा था तो मैं तुझे संभालता था। बचपन में तूने जब सिक्का निकल लिया था तो मैंने तुझे मरते मरते बचाया था। तुझे कुछ याद भी है कि नहीं? भूल गया सब। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे सुअरों को काट डाला है? पापा उसे जाने को बोले। पापा सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? वो हमसे इलेक्शन में मिलेगा, हम उसे दिखा देंगे हम कौन है। चल निकल। बढ़िया भाई बढ़िया, लगता है तो हर चीज के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, हम भी देख लेंगे। चल निकल यहां से, चल जा। सुनो बेटा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। चीफ ने ऐसा क्या कहा कि तुम्हें मेरे इलेक्शन पे खड़े होने पे गुस्सा आया? जब सही टाइम आएगा मैं बता दूंगा। पापा मुझे सच बताओ, क्या मेरे गुरु ने आपको गन दिया? ज़्यादा हमें कुछ रिजर्वेशन कंस्टिट्यूएंसी में थोड़ी सी आग लगानी है। अगर हम उनमें से 20 साफ सुथरे कपड़े पहने को भी खड़ा कर देंगे और उनके हाथ में थोड़ा कैश रख देंगे तो वो लोग हमारी धुन में नाचेंगे। अगर हम उन्हें थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे तो वो गंदा भी नाचेंगे, और हमें वही चाहिए। सब ठीक है, लेकिन ये सब खड़े क्यों हो रहे हैं? क्या इनको पैसे देकर खरीद नहीं सकते? ये ऑप्शन शायद पहले कभी होता पर अभी ये काम नहीं करेगा। दौड़ में हिस्सा लेने के लिए हमें हमारी परमिशन की जरूरत होगी, लेकिन ये हमारी कुत्तों की दौड़ की तरह लगनी चाहिए। जीतने वाला कुत्ता हमारी जरूरतों को पूरा करेगा और हारने वाला खुद मिट जाएगा। बस इतना ही। ये मैटर नहीं करता कि 100-200 वोट बढ़ जाएंगे, वो बस अपने पड़ोसियों को अलग कर देंगे, यही चाहिए। बहुत बढ़िया, लेकिन ये सब काशीपुरम के लिए ही क्यों? तुम्हारी वाइफ सलेम से लड़ रही है, वहाँ भी फोकस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीतती है या हारती है, हमें बस मामानंद को हराना है, उसी पे फोकस करो। Thank you.
महामंदना जी, अतीत भूल गया है? चाचा तुम चुप रहो बेटा, हम बात कर रहे हैं ना। यहाँ बड़े लोग हैं और तुम उनके सामने बैठे हो, हैं? चाचा तुम खड़े नहीं होंगे? जाओ। तुम चुप रहो बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो उठो। चाचा अरे उठो ना, हंगामा करते हो, सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, जाओ। मार क्यों रहे हो? उसे यहाँ से ले जाओ पापा, सुनाई नहीं दे रहा। अरे हंगामा क्यों खड़ा कर रही है वो? उनके सबके सामने बैठने की हिम्मत की उसने? चीफ के सामने? अरे उनको उनकी जगह रख के बहुत बड़ी गलती की है। खड़ा हो जाओ बंदा। वो लड़की कौन है? वो स्वर्गीय मूर्ति जी की भतीजी है। ओ जो हमने तोड़ा था ना, वो उसी का सेंटर था। हमने उसका सेंटर तोड़ा? हाँ। तुमने अपने रिश्तेदार की प्रॉपर्टी तोड़कर गड़बड़ कर दी। अब समझ आया मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों बोलता हूँ? लेकिन बाप बेटे यहाँ कैसे आए? वो इसलिए क्योंकि वो एमएलए के बेटे की दोस्त है। सुनो, शहर में जिन भी हिस्सों में हमारे लोग रहते हैं, बाप बेटे पैर ना रख पाए। ठीक है, लेकिन हम यह तय नहीं कर सकते, जाति समुदाय ही यह तय करता है। जाति समुदाय? हाँ। उन्हें बुलाओ, हम बात करते हैं। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। भाई, आपके पिता के हमारे जाति समुदाय से काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन आप उनकी तरह नहीं है। जब आप रूलिंग पार्टी में थे तो आपने तब भी हमें इग्नोर किया था, इसलिए एसोसिएशन मेंबर आपके इज्जत और आप पर भरोसा नहीं करते, बल्कि शहर के लोग तो आपसे बहुत ज्यादा नाराज भी हैं। तो इसीलिए हमें सबसे दोबारा बात करने की जरूरत है। और मेरे साथ होने के बावजूद आप ये बात बोल रहे हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उससे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें बस आपसे एक सही तरीके से माफी चाहिए। बस माफी? कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। तो भाई ऐसे नहीं है, वो चाहते हैं कि आप उनके पैरों में गिरकर माफी मांगे। पैरों में गिरकर? कौन किसके पैरों में गिरेगा भाई? तू चुप कर, बैठ जाओ। भाई देखो, बुरा मत मानना, चाहे जो भी हो, हमारी यही रीत है, प्लीज इसे गलत मत लेना, ये एसोसिएशन के द्वारा तय होता है, मेरे द्वारा नहीं। मैं भी आया, प्लीज बैठ जाइए। ये चलेगा भाई, यहाँ चलेगा, इतना काफी है, काफी है। रत्नावेल चिंता मत करो, हम यहाँ पर हैं, जीतेंगे तो हम ही, समझे? माँ मरने यहाँ पैर भी नहीं रख पाएगा, हम देख लेंगे, ठीक है?
अरे क्या हुआ, रास्ता क्यों रोके हो? तुम देख नहीं सकते, गांव में एक मौत हुई है, कोई नहीं आएगा, सब चले जाओ। हम अपनी श्रद्धांजलि देने के बाद चले जाएंगे। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए तुम्हें बुलाया है? यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहिए, चलो निकलो यहाँ से। तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हाथ जोड़ो कि सर यहाँ से चले जाओ। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। जाते रहो, सब जिलों में यही हाल है, निकलो निकलो। हम इलेक्शन का बैकआउट करते हैं, तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब कोई भी हो, अब यहाँ किसी का स्वागत नहीं होगा, जाओ यहाँ से। यहाँ मंदिर का त्योहार चल रहा है, कोई भी बाहर से गांव में नहीं आ सकता। गद्दार वापस जाओ। सुनो मामनान, तुम किसी गांव में नहीं जा सकते, तुम किसी गली में भी नहीं जा सकते। हम तुझे हर गांव से दूर रखेंगे और तुझे बताएंगे कि हम कौन हैं। वीरा, क्या बात है? हाँ, क्या बात है? वो आदमी 10 साल एमएलए रहा है, वो उनके हर उतार चढ़ाव में साथ रहा है, लेकिन अब एक आदमी के कहने पर पूरा गांव उनके सामने उनके खिलाफ खड़ा है। मुझे समझ नहीं आता लीला क्या है, कैसे एक आदमी का गुस्सा हजारों लोगों का गुरूर बन सकता है? हाँ, एक इंसान का कमाया सम्मान आज खतरे में पड़ गया है और हजारों लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता? समझ नहीं आया ना, यहाँ तक कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी उनके साथ मिल गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इससे कैसे लड़ूं। सुनो वीरा, मेरी तरफ देखो, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदारों का क्या? उसमें से 20 को तुम्हारे पापा के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे दिए गए हैं, उसमें से 2 तुम्हारे पापा के खास थे, सब लोग सब कुछ जानते हैं, तुम इसके बारे में क्या कहोगे? ये समझने की कोशिश में उन्हें क्या लग कर रहा है, पैसा जाती है और कुछ, तुम बस पागल हो जाओगे। इसके बाद वो सब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, इस बात को समझो। उन सबको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया ना, क्या तुम इसमें कुछ कर पाए? हाँ, हम बस बहाने बना सकते हैं। सुनो बेटा, क्या हुआ पापा? जरा बाहर आकर देखो ना। चलो। क्या है सर, आपने हमें खाने के लिए, पढ़ाई और अच्छी चीजों के लिए बुलाया, और लड़ाई के लिए आप अकेले ही जा रहे हो? उसे क्या घूर रहे हैं सर? हाँ, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जिसे बताया जाए कि क्या करना है। देखो, मुझे खुशी है कि तुम आए, लेकिन ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं तुम बच्चों को इससे दूर रखना चाहता हूँ। चलो सब लोग जाओ यहाँ से। आपको लगता है ये बस आपकी प्रॉब्लम है? अपने वोट लेने के लिए आप हमारे पास नहीं आए थे क्या? तो ये बस आपकी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है बताइए? अगर कोई मेरे घर आने से आपको रोकता है तो मुझे सवाल पूछने का हक है, और मैं सवाल पूछूंगी। आप मुझे बुलाओ या मत बुलाओ, मैं तो आऊंगी, मैं उनसे सवाल पूछूंगी सर। चलिए मेरे घर चलिए। ठीक है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन अब तुम लोग जाओ। अगर तुम हमारे साथ खड़े रहोगे तो तुम खुद अपने परिवार वालों के खिलाफ खड़े होगे। आप हमें उसकी तरह भोला समझकर क्यों बर्ताव कर रहे हैं सर? हम वोट दे सकते हैं सर, हमारे पास अधिकार है कि हमें किसे अपने घर बुलाना है और किसे नहीं, और उसके अलावा वो अपनी जात के पुराने पाप हम पर थोप रहे हैं सर, हमारे ऊपर थोप रहे हैं। ये मत सोचिए कि बस आपको ही गुस्सा होने का हक है, हमें गुस्सा नहीं आ सकता क्या सर? मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन अभी के लिए वक्त नहीं है, तुम सब घर जाओ। हम आपके पिताजी को वोट से जिताने के लिए नहीं आए सर, हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आए हैं और हम उसे बचाने आए हैं। चलिए सर, आप मेरे घर चलिए। hey, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? हम सब चाहते हैं, चलो हम देख लेंगे। बेटा तुम सुन नहीं रहे हो, चलो चलो।
भैया तुमने मुझे इस बेकार जगह क्यों बुलाया है? यहाँ क्या हो रहा है? मतलब तुमने कहा था कि मामानंद को गांव में पैर रखने से रोक दोगे, फिर भी वो हमारी गली की हर इंच में घूम रहा है, ये सब क्या है? अरे मैं माला ये सब कैसे समझ सकता हूँ, तुम और मैं हमेशा अपनी जाति की एसोसिएशन के हिसाब से ही चले हैं, लेकिन ये जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, ये लोग सब सोशल मीडिया के हिसाब से चलते हैं और हमारी सुनते तक नहीं। पता नहीं कि अब क्या करना चाहिए, मैं खुद परेशान हूँ। तुमने क्या बोला? तुम्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए? भाई तुमने मुझे अनजान लोगों के पैरों में गिरने दिया और अभी तुम्हें पता नहीं है कि क्या करना है? अगर तुमने ये सब ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा मत करो भाई, देखो हम कुछ न कुछ करके सब ठीक कर देंगे। अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दें जिससे वो लोग बाहर ही ना निकल पाए तो सब 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 कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम कुछ ऐसा कर दें जिससे सैलम में हलचल मच जाए तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ने क्या बोला भैया? अगर हम कुछ बहुत बड़ा कर दें जैसे सेलम में हलचल मच जाए तो सब ठीक हो जाएगा, जैसे कि सब चाहते हैं। तुमने क्या बोला भैया? हाँ हाँ भाई, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। हाँ खड़ी कर दी तो। सुनो वीरा, हम एक ही पार्टी के कार्यकर्ता थे, एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बाकी चलो भैया, मामले में उसका बेटा रास्ते में है। जब से तुम आए हो तुमने एक शब्द नहीं बोला है। क्या हमेशा मैं ही बोलूं? तुम लोग क्यों नहीं बोलते? तुम्हारे पापा ने हमें चुप रहने के लिए बोला है, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ हमें क्या करना चाहिए। ए रामकृष्णा, ए ए भाई रामकृष्णा, बाहर आओ। रुक, मैं जाता हूँ, देख लूंगा, तुम रुको। या, आ भाई। हाँ भाई, क्या हुआ? आमंदन का बेटा अंदर है क्या? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? उसे निकाल दे, वो मेरा मेहमान है, मैं नहीं बोलूंगा। तेरा मेहमान है क्या?
उसे गांव से बेदखल किया हुआ है, तू उसे यहाँ ले आया क्या? तुम परेशान मत करो, वो मेरा दोस्त है, मेरा मेहमान है। बाहर हम जानते हैं, बहस मत कर। तेरी छूने की हिम्मत कैसे हुई? निकाल दे उसे। वीरा, नहीं वीरा, मेरी बात सुन। रुक जा वीरा, रुक जा, झगड़ा मत कर। तुमने सुना ना तेरे पापा ने क्या कहा? चीजें और खराब हो जाएंगी। वीरा वीरा रुक जा, वीरा वीरा भगवान, वीरा ये वीरा, नहीं भाई, नहीं वीरा, प्लीज वीरा मेरी बात सुनो। वीरा उसे जाना, वीरा मत मारो, रोक उसे लीला, कुछ करो रामकृष्णा, इनसे बात तो कर। रुक रुक आना वीरा, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ ये करेगा? हाँ मेरे साथ करेगा, मारेगा मुझे। अगर मैं तेरे गांव में आया तो मारेगा मुझे, हाँ मारेगा मुझे। तुम्हें कब लाए? अंदर चलो वीरा, हम इनसे नहीं बच सकते हैं। इनके घर में लोग हैं जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं, उनके पास पहुंचने के हमारे पास हजार रास्ते हैं। समझो ना, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। पापा बोलो, पापा काशीपुरम की जनता को मेरा प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम। मेरा नाम है मामानन। जब मैं छोटा था तो मुझे मामानन कोई नहीं बोलता था, बल्कि मन्नू बोलकर मुझे चढ़ाते थे सब। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मेरा नाम तो मामानन है ना, तो फिर सारे के सारे मुझे मन्नू बोलकर आखिर क्यों चढ़ाते हैं, बताइए ऐसा क्यों करते हैं? वो मुस्कुराए और मुझसे बोले, सब तुझे प्यार से मन्नू बोलते हैं, इस बात को गलत तरीके से मत देख। मैंने उनकी बात पे यकीन कर लिया और उसके बाद कई सालों के बाद मैंने अपने बेटे को बुलाया और उससे पूछा कि मेरा नाम क्या है, बता। उसने कहा मामानन, उसने मेरा नाम मामानन बोला। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोई मन्नू बोलता है तो वो लड़ने लग जाता है, उसे गुस्सा आता है, और उसके बाद मुझे मेरा नाम वापस मिला। मामानन मतलब होता है राजा। ये बात मैं आप सभी क्यों बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का MLA हूँ। मैं इस डिस्ट्रिक्ट के हर गली और हर कोने में गया हूँ, यहाँ का हर बंदा मुझे जानता है, यहाँ के हर घर और गली के अंदर मैं जा चुका हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, MLA बनने के बाद मुझे लगता है जो करना चाहिए था मैंने वो सब कुछ किया है इस गांव के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन आज मैं अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, ऐसा क्यों? बताओ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे कौन रोक रहा है, बताइए। मैं वहां पैर क्यों नहीं रख सकता जहां पर मैंने 10 सालों तक काम किया? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या आप लोगों को पता है, हमारे गांव में जब भी 4 लोगों की लड़ाई होती है तो आसानी से 400 लोगों का दंगा हो सकता है, और वही दूसरी पार्टी वाले कर रहे हैं। वो मुझे आपके पास जाने से रोक सकते हैं, लेकिन आज के बाद मैं हर गांव हर गली को सिर्फ अपना समझूंगा। वो मेरी हैं, वो लोग मेरे हैं, और अपने लोगों से मिलने से मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता। जो कोई भी मुझ पे विश्वास करता है और मुझे मानता है, कृपया करके तारे के निशान पर अपना वोट दे। बस यही कहना था। आप सबका धन्यवाद। भाई क्या भाई, बाप बेटे ने पूरा कैंपेन घर ही चला दिया। CM के डर से आपको उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, आपको उन्हें पहले ही उड़ा देना चाहिए था। मैंने उन्हें CM के कहने पर छोड़ा,
हमें उन्हें बस इसलिए नहीं मारना चाहिए कि वो हमारा दुश्मन है, इससे हमारे ऊपर दाग लग सकता है। हमें उन्हें एक बार और पकड़ना, हमें उन्हें पकड़कर जल्दी से मारना। रिजल्ट आए तो फिर देख लेंगे। नमस्कार। तमिलनाडु के इलेक्शन से काफी उम्मीद लगाई जा रही है, पूरे प्रदेश में रूलिंग पार्टी से काफी उम्मीद लगाई जा रही है, वो इस बार बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि रूलिंग पार्टी फिर से पावर में जरूर आएगी और पार्टी का जो पुराना अच्छा वाला काम है वो इस बात की पूरी सहमति देता है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपका कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी मेजोरिटी है, लेकिन ताज़ा खबरों से पता चला है कि सेलम में रूलिंग पार्टी समोग निधि मकाल कजाम पीछे चल रही है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि सलेम में वोट डालते वक्त शांति नहीं थी? हाँ बिल्कुल, इसकी जरूर कोई वजह होगी ही, क्योंकि रत्नावेल पार्टी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कैंडिडेट था। उसे लगभग पार्टी से हटा दिया गया था, इसकी वजह से लोगों में बहुत विद्रोह हो गया था। और जो दंगे हुए हैं वो किसी भी एक जगह पे नहीं हुए हैं, उनमें कई इमोशंस बाहर निकले हैं और वो यकीनन इलेक्शन में दिखाई देंगे। अगर रत्नावेल इन दंगों के पीछे हुआ तो लोग उसके खिलाफ वोट देंगे सिर्फ शांति के लिए। हाँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ, बस देखते जाइए, मामन्ना के पास जीतने का एक और मौका जरूर है। इस वक्त की बिल्कुल ताजा खबर ये है, जब ये कहा गया था कि काशीपुरम से मामन्नम आगे चल रहे हैं, बैलेट काउंटिंग सेंटर पर कुछ अफरा तफरी देखी गई थी, अभी ये साफ नहीं है कि गिनती पूरी की जाएगी। तिरुमा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इसे गंदी पॉलिटिक्स कहूँगा। मामन्ना ना जीते इसके लिए रत्नावेल के आदमी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और वो बस मामन्ना पर फोकस क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो एक दलित जाति से है और उसकी पॉलिटिक्स ग्रोथ रत्नावेल के परिवार की वजह से है। रत्नावेल को इससे आपत्ति है, इसलिए वो रोकने की कोशिश कर रहा है। पहले आप रूलिंग और अपोजिशन की बात कर रहे थे, अब दलित की। चलिए इस टॉपिक से दूर रहते हैं। रूलिंग पार्टी के लोगों की जीत को रोक पाना कोई आसान काम नहीं है। हर बात दलित होने पर नहीं डाली जा सकती है, हमें कारण जानना जरूरी है। मैं किसी वजह से उनका बैकग्राउंड नहीं लेकर आया हूँ। रत्नावेल ने ही रूलिंग पार्टी के खिलाफ दंगे करवाए थे, ये बात पक्की है, समझिए। और रूलिंग पार्टी में ऐसे कई सारे मेन लीडर्स भी हुए हैं और MLA भी, लेकिन अकेले मामन्ना को ही अकेला टारगेट बनाया गया। हाँ, और अगर मामन्ना ने उस सिचुएशन में कुछ रेड किया होता तो सब काबू के बाहर हो जाता। आप तो जानते ही हैं, उनकी पॉलिटिकल मेजॉरिटी की वजह से वो चुप रहे। वहीं दूसरी ओर वो लोग उनको जीतने से रोकने के लिए खेल खेल रहे हैं। बताइए, वो 300 वोट से लीड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वोट की गिनती पर ही रोक लगा दी है, वो बहुत कहता है। ताजा खबर से पता चला है कि सुधा रंजन SSMNK के लीडर और मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने चुनाव क्षेत्र से जीत गए हैं। SSMNK ने इस जीत के साथ अपनी वापसी पर मोहर लगा दी है। वेल, आपने कहा था कि सरकार में बदलाव हो सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। जनता ने अगली बार के लिए भी रूलिंग पार्टी को चुना है। रोकने के लिए माफी चाहूंगा वेल, लेकिन अभी अभी सूत्रों से जानकारी आ रही है कि काशीपुरम में वोटों की गिनती पर रोक लगा दी गई है। अभी ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन आपको बता दूं कि मामन्नन अभी आगे चल रहे हैं। क्या वो आगे रह पाएंगे, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। काशीपुरम की वोट में मामन्नन तीसरे राउंड में भी आगे थे, लेकिन अब 10वें राउंड में वो 348 वोटों से आगे हैं। ए रत्ना, वो फिर से सत्ता में आ गया, यहाँ अभी कांटे की टक्कर लग रही है, हमें यहाँ और कब तक रुकना पड़ेगा? मुझे लग रहा है हमारी बेइज्जती होने वाली है। बेइज्जती कौन करेगा? तू करेगा? अपने कुछ पंटरों को भड़का कर अब तो सिंपैथी बटोरना चाहता है। अब क्या,
आप चाहते हो मैं उन्हें छोड़ दूं? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुझ पर गुस्सा आ रहा है। अपना मुंह बंद कर और निकल निकल। पापा ये रहना। कहाँ जा रहा है तू? मैं आता हूँ। हाँ रुको पापा, लीला के साथ रहना, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा है? आता हूँ ना अभी। वीरा आके खोलो माँ, माँ आके खोलो माँ, वीरा हूँ माँ, 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 माँ आके खोलो माँ, माँ, माँ वो ठीक है माँ, वो ठीक है, उसके पास वो ठीक है, हाँ माँ वो ठीक है, हाँ मैं जाता हूँ पापा के पास माँ, पुलिस आई है वीरा, यहाँ पुलिस है ना, तुम अंकल के पास हो, इन्हें मैं देखती हूँ।
ख्याल रखना। तुम अंकल के पास जाओ। सब ठीक है आंटी? हाँ हाँ। यहां से हम देख लेंगे। के नतीजे आ चुके हैं और बाबन्ना फिर से इस डिस्ट्रिक्ट से जीत चुके हैं। जो तुम चाहते हो वही सही है। तुम्हारे पिता के पास जरूरी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है। साथी इस देश को एक न्याय चाहिए। न्याय हर किसी को वो मिलना चाहिए जो उसका अधिकार है। उन्हें वो करना जरूरी है और वो मेरी पोस्ट पर भी लागू है। वही सही होगा। चलो देखते क्या होगा। उम्मीद है जैसे दिन जाए वैसे कुछ हो। अगर हम नहीं बदलेंगे तो तुम्हारे जैसे नौजवान हमें बख्शेंगे क्या? हाथ मिलाओ। अरे मिलाओ बेटा, हाथ मिलाओ बेटा। अरे जाओ जीत जाओ। This movie is presented by BetBarter.com. Assembly ke maaniye speaker.
क्या देख रहे हैं? अब तुमसे डरने वाला कोई भी नहीं है, भले ही तुम उन पर बंदूक क्यों ना तान दो, उससे वो अपने सपनों को नहीं छोड़ने वाले। समझ आया, चल। तिरुक्कुरल की एक कहावत सुनाता हूं, हमेशा सच का साथ दो, सच तुम्हारा साथ देगा। इसका मतलब ईश्वर ने सबको बराबर का हक दिया है, फर्क सिर्फ उनके काम करने की काबिलियत से होता है, काबिलियत इंसान को अलग बनाती है। नमस्कार। Need have any apprehension. Our difficulty, as I said, is